नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने रविवार को 55 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट आते ही प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू हो गया है। जी हां, बता दें, लिस्ट में नाम ना होने से नाराज टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान कोई रोता नजर आया तो किसी ने रोड पर उतर कर विरोध किया, वहीं कुछ नेता पुतला तक जलाते नजर आए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हैदराबाद के गांधी भवन में स्थित पार्टी कार्यालय को बंद करने का फैसला तक करना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं का यह सब ड्रामा तब हुआ है जब 18 अक्टूबर से प्रस्तावित कांग्रेस बस यात्रा में महज अब 2 दिन बचे हुए हैं। 3 दिनों की इस बस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। वहीं पूर्व सांसद और तेलंगाना कांग्रेस के उपाध्यक्ष मल्लू रवि को भी विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी भवन में चल रही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित करने के लिए एक अल्पसंख्यक समूह गांधी भवन में घुस गया। वहीं विरोध को देख हुए मल्लू रवि को बाहर निकलकर जाना पड़ा। यह विरोध पुराने शहर के लिए चुने गए उम्मीदवारों को लेकर था। वहीं बाद में इन लोगों ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी का पुतला भी जलाया। इसे देखते हुए ऑफिस को बंद कर दिया गया। वहीं उप्पल में रागिनी लक्ष्मा रेड्डी को जब यह पता चला कि पार्टी ने उनका टिकट काट कर उप्पल सीट से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एम परमेश्वर रेड्डी को मैदान में उतारा है, तो वह रोने लगे। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए उन्होंने कहा, मैं आपसे नहीं डरता रेवंत रेड्डी, मैंने यहां पार्टी को तब खड़ा किया जब कांग्रेस यहां कमजोर थी, क्योंकि आप पीसीसी प्रमुख थे, मैंने आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मुझे एक बारी व्यक्ति एक नए सदस्य के लिए छोड़ दिया।